दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय होस्टिंगजर। अगर आप सस्ते में एक अच्छा होस्टिंग लेना चाहते हो तो यहाँ पे होस्टिंगजर पे जा सकते हो। अभी इनका 70% ऑफ चल रहा है सभी टाइप के होस्टिंग में। इनका शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पे डोमेन भी परचेज कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक से जाने के बाद अगर आप योर टेक्निकल इस कोड को लगाते हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप बड़े ही कमाल का एक चीज सीखने वाले हो। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट को या आर्टिकल को कॉपी होने से या चोरी होने से बचा सकते हो। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से आप अपना एक ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल लिखते हो और उस आर्टिकल को अगर कोई कॉपी करके अपने ब्लॉग में थोड़ा बहुत चेंजेस करके दे देता है तो वो आपके साथ नाइंसाफी होता है। यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक ब्लॉग है, यहाँ पे मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखा है। अगर कोई यहाँ पे मेरे आर्टिकल को कॉपी करने का कोशिश करता है तो इजीली जैसे कॉपी किया जाता है इस तरीके से ड्रैग करके, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। ब्लॉग पोस्ट का नाम आप देख लीजिए, easytipsforyou.com, खुद जाके देख लेना। तो यहाँ से इजीली कॉपी नहीं किया जा सकता। राइट क्लिक इसमें डिसेबल है, यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो टेक्स्ट को, तो यहाँ से कॉपी करना इजी नहीं होता। वहीं पे एक नॉर्मल ब्लॉग पे अगर आप बनाते हो, अच्छा थीम डालते हो, तो वहां से कुछ इस तरीके से कॉपी किया जा सकता है। राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी किया जा सकता है और उसको कहीं पे पेस्ट करके उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट बनाया जा सकता है और उसको प्लेगरिज्म फ्री भी बनाया जा सकता है। तो अगर आप अपने ब्लॉग में कॉपी प्रोटेक्शन डालना चाहते हो, अगर आप अपने ब्लॉग में राइट क्लिक को डिसेबल करना चाहते हो, तो कैसे किया जाता है जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजदीप मिश्रा, आप देख रहे हो योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। अपने ब्लॉग पोस्ट में कॉपी प्रोटेक्शन देने के लिए और राइट क्लिक को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। सिंपली आपको प्लगइन्स में जाना होगा। सॉरी, यहाँ पे मेरा इंटरनेट मैंने ऑफ करके रखा था तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये हो गया है, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। आपको प्लगइन सेक्शन में जाना है और एक प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। तो यहां पे ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूंगा, सर्च प्लगइन पे आपको लिखना है WP कंटेंट कॉपी प्रोटेक्शन एंड नो राइट क्लिक। आप यहां पे देख सकते हो ये जो प्लगइन है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से भी क्लिक करके आप इस प्लगइन के पेज में जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बट इजी वे होगा, आप प्लगइन्स में जाके यहाँ पे सर्च कर लीजिए। यहाँ पे नेम आप देख सकते हो, WP कंटेंट कॉपी प्रोटेक्शन एंड नो राइट क्लिक, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक किया हूँ, कुछ ही सेकंड्स में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो गया है। अभी एक्टिवेट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, अभी यहां पे देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और रिफ्रेश करने के बाद अभी अगर मैं यहां से इसको कॉपी करने का कोशिश करूंगा तो यहां पे देखिए अलर्ट कंटेंट इज प्रोटेक्टेड। तो जब भी कोई नॉर्मली जिनको ब्लॉगिंग के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, कौन से लोग आपके ब्लॉग पोस्ट को कॉपी करेंगे, वही जो बिगिनर्स होते हैं, वही जो खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, अपना ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल नहीं लिखना चाहते, तो वो सिंपली दूसरों के ब्लॉग से कॉपी कर लेते हैं। अभी अगर आप इस तरीके का एक प्रोटेक्शन डाल देते हो, कोई देखता है ये अलर्ट वाला, तो वो आपके ब्लॉग को हमेशा के लिए कॉपी करने के लिए छोड़ देगा। वो कभी भी आपके पोस्ट से कॉपी नहीं करेगा, वो सोचेगा इसमें कोई प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, अगर हम इससे कॉपी करेंगे तो कुछ हो सकता है, तो इसलिए वो नहीं करेगा और आसानी से इजीली इसको किया भी नहीं जा सकता है। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हो सके तो शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू।